सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ सना और आप हैं मेरे संग और जोई के साथ। आज का मौसम तो बड़ा ही रंगीन है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं रंग बिरंगी प्लेडो। सना के संग संग जोई के साथ। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 कप आटा और जोई मैं इस बोल में डालूंगी, आप इसको मिक्स मिक्स कर सकते हैं। मैंने मैदा यूज़ किया 1 कप। अगर आपको आटा यूज़ करना है तो आप आटे से भी बना सकते हैं। आटे में पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जितना मैं यूज़ करूँगी उससे 2 टेबलस्पून ज़्यादा जाएगा। तो चले अब हम पानी लेते हैं, गर्म पानी। अच्छा, अब 1/2 कप पानी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। नहीं, पानी बन गया। पानी बन गया? कौन से कलर डाले पहले? पहले मुझे डालना है पर्पल। ओके, तो अब मैं डालूंगी पर्पल। पूरा पर्पल बन गया। अब इसमें डालते हैं हम सॉल्ट। सॉल्ट डालेंगे 1/4 कप। तो हम मेजर कर रहे हैं। अगर आपका सॉल्ट बारीक है तो आप आटे में भी डाल सकते हैं सॉल्ट, और अगर थोड़ा मोटा है तो फिर पानी में डिसॉल्व करके डालिएगा जिस तरह से हमने पहले डाला था। नमक से जो है ये प्रिजर्व होगा। आपको अगर ये 6 महीने या ज़्यादा प्रिजर्व करना है तो फिर आप इसमें क्रीम ऑफ टार्टर ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। लेकिन हमने 1/4 कप नमक डाला है 1 कप में, जिसकी वजह से ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करेगा। फिर बनाएंगे अपन ग्रीन। ठीक है, फिर हम ग्रीन बना लेंगे। ब्लू फिर रेड। गुड आइडिया। अब आपने चमचे से जितना हो सका मिक्स हो गया। अब मैं इसको हाथ से गूंद लूँगी। तो ये आप देखिए कितना नरम नरम अच्छा सा प्लेडो बन रहा है, और इससे अभी हम बहुत सारा फन करेंगे। चलो, पर्पल प्लेडो बन गया। जो इसको किस में स्टोर करेंगे हम? ज़िप-लॉक बैग में। ये चलो इसको खोलते हैं। ये किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, आप प्लास्टिक का कंटेनर ले लें, कोई बैग ले लें जिसमें भी बहुत हवा नहीं लगे, क्योंकि वरना ये सूख जाएगा और लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। तो हमने 1 कप तो हमारा इसमें स्टोर कर दिया है। हम इसी तरह से और कलर्स बनाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, फिर हम इससे खेलेंगे। ओके, अब जोई को रेसिपी याद है, 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर। ये पानी जो है गर्म होना इसलिए ज़रूरी ताकि सॉल्ट डिसॉल्व हो और ये अच्छी तरह से गूंज जाए और इसका टेक्सचर। दैट्स अ लॉट ऑफ ऑरेंज। वाओ, अब इसमें ऑयल डालते हैं, दिखते क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ऑलराइट, ओके, दैट्स इनफ। 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल हम सॉफ्टनेस के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारा प्लेडो सॉफ्ट सॉफ्ट बने, इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा बनता है। प्लेडो जो है वो बहुत ही क्रिएटिविटी और बच्चों की इमेजिनेशन को प्रमोट करता है। आप जो है वो अलग अलग कलर के प्लेडो लें, फिर आप उससे फूड बनाएं, फिर आप उससे इमेजिनेटिव चीज़ बनाएं। मैं जोई के साथ बहुत सारी तरह की चीज़ें खेलती हूँ प्लेडो के साथ। जब वो छोटी थी तो मैं ऐसे कहती थी इसमें एक नूडल डालें, अब उसमें सीरियल डालें। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन इनका जो है डेवलप होता है प्लेडो में किसी तरह से, अगर आप सीरियल डाल रहे हैं नूडल में। और जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर हम प्लेडो से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम जो हैं प्रिटेंड बेकरी बनाते हैं, कपकेक, केक्स, फिर बर्थडे करते हैं, फिर काटते हैं। सीजर्स इस्तेमाल करना इसने प्लेडो के साथ सीखा। प्लेडो के स्नेक बना के वो सीजर से काटती थी उसे, तो उसका काफ़ी एक अच्छा पास टाइम और प्ले टाइम और लर्निंग एट द सेम टाइम हो जाता है प्लेडो से। अब प्लेडो के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि आप इससे खेलें और फिर खेल के संभाल के रख दें, फिर से निकालें, फिर खेलें। रीयूजेबल हैं, बार बार बहुत सारी दफ़ा फ़न कर सकते हैं प्लेडो के साथ। अब हम 2 और कलर्स बना लेंगे, इसके बाद सब प्लेडो से खेलने के आइटम रेडी करके हमारे सरप्राइज गेस्ट को बुलाएंगे और जोई और वो मिलके प्लेडो से खेलेंगे। बाय द वे, फूड कलर ना हो आप हल्दी इस्तेमाल करें, आप जर्दे का रंग इस्तेमाल करें। इससे हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मतलब खाने वाली नहीं और कपड़े जो पहनने वाले नहीं, सब टॉय के खेलने की चीज़ें। देखिए हमारे प्लेडो तो बन गए। अब हमने सारी वो चीज़ें निकाल के रखी है जिसके साथ हम मिला के प्लेडो को खेलेंगे। तो चलो पहले क्या करना है, आइसक्रीम शॉप। ओके, थैंक यू। और मैं निकालूंगी अपनी आइसक्रीम चमचे से, आप निकालेंगे अपनी आइसक्रीम स्कूप से। अब ये वाले स्कूप से। ओके, तो आई थिंक मैं ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम बना रही हूँ। मैं पर्पल। ओके,
और स्ट्रॉबेरी भी है. ओके लेट्स ट्राई. ओह दैट्स अ बिग स्कूप. ओह मैंने एक ऑरेंज का स्कूप लिया है. मम्मा इतना बड़ा स्कूप. वाओ हेल्प जी या सही हो गया. दैट्स गुड. ओह बहुत अच्छी पर्पल आइसक्रीम है. इतनी सारी आइसक्रीम. ब्लू भी ओके. बस फिर बहुत आइसक्रीम नहीं खा सकते. ठीक है. आई गॉट ब्लू. यू गॉट दिस. ओके आई जस्ट डू लाइक दिस. ये तो पूरी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है. ओके इतनी अच्छी मुझे आइसक्रीम लग रही है. मैं आपकी आइसक्रीम थोड़ी मेरे पे लगा देती हूँ. मेरी क्यूट लग रही है. बहुत क्यूट लग रही है. थोड़ी सी मैं आप में डाल दी. ओके ओह ये तो इसकी टॉपिंग लग रही है. अच्छा अब इसको डेकोरेट करनी है. आइसक्रीम की टॉपिंग डालते हैं. चलो आई थिंक मैं आइसक्रीम की टॉपिंग में डालूंगी. ओह वन चेरी. श्योर मुझे लग रहा है मैं साइड पे डेकोरेट करूंगी सीरियल से. मैं भी कलरफुल. एंड व्हाट इन द टॉप. अब मैं इसमें डालूंगी ये हमारी स्ट्रॉ होगी. आपको वन स्ट्रॉ चाहिए. ओके मैं स्ट्रॉ में कुछ फैंसी डाल दूंगी. एक सेकंड. नाइस. ओह ये वाला भी अच्छा है. अब आई थिंक हमारी शॉप में जो है वो कपकेक भी होंगे. आइसक्रीम रेडी. ये ओह आइसक्रीम की आइस भी है. ये तो बहुत हैप्पी आइसक्रीम होगी. ओह दैट्स नाइस. ये लॉन्ग है जिसका जोई ने अभी नोज बनाया है. ओके मेरी आइसक्रीम एक हैप्पी आइसक्रीम हो जाएगी. ये रहा. और मैं मुझे लगता है इससे नोज बना लेती हूँ. बटन से एक बटन है इसका मैं नोज बना लेती हूँ. चले भाई व्यूअर्स आप वोटिंग करके बताएं कि ये जोया की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी है या मेरी आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी है. क्या लगता है जोया. अब कपकेक बनाते हैं. थोड़े से मैं लंबे डाल देती हूँ. लंबे डालते हैं. इतना लंबा. इतनी लंबी स्ट्रॉ. ये ओह वाओ मेल्टेड आइसक्रीम को चख भी सकते हैं. अच्छा अब कपकेक की दुकान करते हैं. चलो अब कपकेक कौन से फ्लेवर का बनाना है आपको. आई थिंक पहले मैं थोड़ा सा पर्पल बना लेती हूँ. ओके आप कौन सा बना. मैं थोड़ा सा ग्रीन बना लेती हूँ. ये हमने कभी भी पहले यूज़ नहीं किया. ये दानी का गार्लिक प्रेसर है. इससे बाल बन सकते हैं. ऑरेंज बाल बनाए. थोड़ा भर देना. ठीक है. हाँ थोड़ा सा और भर दो. गुड. ये तो नूडल्स बन गई है क्या. ओह ये बाल होंगे. अब मैं इसका नोज बनाऊंगी. ये सैड है या ये सरप्राइज्ड है. क्या लग रहा है. नहीं ये सरप्राइज्ड है. ये सरप्राइज्ड है इसलिए इसकी आंखें यूं हैं. ऐसी सरप्राइज्ड है ये. अब फनी सरप्राइज. फनी सरप्राइज है ना. व्यूअर्स आप इनको भी देखिएगा. इन दोनों को. जोई भी अच्छा बेल रही है. देखो अब जोई ये लंबा हो रहा है तो इसको इस तरह से बेलो. हाँ गुड जॉब. Very good. कैसी प्रिंट बनेगी. Let's find out. ये तो अच्छी प्रिंट लग रही है. आपको काटना है इसको. दानी के साथ कुछ खेलें. चले अब टाइम हो गया है वेलकम करने का वो सरप्राइज गेस्ट का जिसका हमने जिक्र किया था. तो आपकी बहुत ही चहेती रूबी के किचन की स्टार रूबी मैम हमारे शो में आ रही हैं और जोई के साथ कुछ कुक करेंगी बट प्लेटों से. आज
आज हम खतरनाक सा पिज्जा बनाएंगे, जोई भी बनाएगी, वो भी जोई के स्टाइल में, देखते हैं। जोई के ग्लास से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक गोटी वाला अंडा बनाएंगे। आपको इससे और इससे जो है टॉपिंग, पिज्जा की टॉपिंग स्ट्रॉ से काट लेते हैं। क्या आइडिया है, अच्छा है। पिज्जा की भी आईज है। ये तो काड़ा दज्जाल हो गया। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये दैट्स वेरी कूल। हाँ अब किनारे बनाएंगे, जो किनारा 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 आपको फोर्क से बनाना है। हाँ आपको, है? अरे मैं आपका खतरनाक बना रही। देखा, इससे अच्छा पिज्जा तो कोई हो नहीं सकता। नहीं और टॉपिंग तो लगा, दानी को लगाना नहीं आती है। और इससे भी तो टॉपिंग लगा सकते हैं, देखो। दैट्स कूल। ये कीमा है। ये कीमे वाला पिज्जा है। हाँ कीमे वाला पिज्जा है। ये हमारा वो वाला पिज्जा है जो समोसा फ्राइज पिज्जा जो बनाया था ना, ये उसका बेबी पैदा हुआ है। दानी ने गोल्डन सिल्वर सब लगाए। अब बताना चेक के लगता कैसा है। ये वाली चेरी टेस्ट। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। बच्चों लेकिन यकीन करो झूठ ही खाने का है, सच सच का नहीं खाने का है। अब हम जो भी बचे हैं इसको एक प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर कर देंगे। ये वाला जो है मैंने आटे से बनाया था, मैदे से नहीं बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो जैसे मैंने कहा सिमिलर ही है, लेकिन कमेंट्स में बताइएगा। तो बस एक डब्बे में डाल के हम इसको बंद कर देंगे और फिर जब भी दिल चाहेगा खोल के फिर से फन करेंगे। सही कह रही। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, हमें तो बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर से एक फन एक्टिविटी के साथ हम आपसे मिलेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।